नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक रियर हर्निया जिसे हम डायफ्रेगमेटिक हर्निया के बारे में जानते हैं। डायफ्राम एक ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट और पेट के बीच में रहता है और इससे हमारे चेस्ट के ऑर्गन्स और पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। चेस्ट में यानी मेनली हमारे लंग्स और हार्ट जैसे ऑर्गन्स हैं और पेट के अंदर आंत है, तो उनके अंदर या ऑर्गन्स एक दूसरे में मिक्स ना हो, चेस्ट के अंदर नेगेटिव प्रेशर रहता है उसको बनाए रखा जाए। इस चीजें के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन है जो चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में रहता है। डायफ्रेगमेटिक हर्निया यानी डायफ्राम के अंदर किसी तरह का होल है जिससे कि जो पेट के कंटेंट्स हैं यानी आंत, लीवर, स्प्लीन ऐसी चीजें वो चेस्ट में चले जाते हैं। एडल्ट्स में ये बहुत कम कॉमन है क्योंकि ये मेनली एक कॉन्जेनिटल कंडीशन है, यानी कि जब बच्चों की गर्भ के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम में किसी कारण अगर डायफ्राम की डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, उससे डायफ्राम की जो फॉर्म है वो पूरी नहीं बनती, उसमें होल रह जाता है और उस होल से पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो चेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। ये कई टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि मोस्टली वॉस्टर लेग हर्निया और मोरगैगिंग हर्निया, ये दो कॉमन फॉर्म्स हैं जिसमें वॉस्टर लेग ज्यादा कॉमन है। इनका मतलब है कि वॉस्टर लेग जो हर्नियाज हैं वो पेट के पिछले हिस्से में होते हैं और जो मोरगैगनीज हैं वो पेट के अगले हिस्से में होते हैं। ये लेफ्ट या राइट साइड में हो सकते हैं और ज्यादातर केसेस में बच्चों की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो आजकल जैसे हम डिलीवरी से पहले स्कैन करवाते हैं तो उस अल्ट्रासाउंड स्कैन्स में ये डायग्नोस हो सकते हैं। अगर ये बहुत सिवियर हो तो वो बच्चे का सर्वाइवल नहीं रहता, लेकिन अगर इसकी कंडीशन उतनी खराब ना हो और अगर बेबी का बॉर्न होता है तो उसके बाद बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस लेने में दिक्कत फील होती है और उससे इसका डायग्नोसिस इमीडिएटली बहुत सारे बच्चों में बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि हर्निया छोटा है या बड़ा है या कितनी आंत चेस्ट के अंदर चली गई है, बच्चे की चेस्ट की कंडीशन कैसी है, हार्ट की कंडीशन कैसी है, ये सारे इवेल्युएट करके बच्चे को स्टेबलाइज करके पीडियाट्रिक सर्जन इसकी सर्जरी कर सकते हैं और इससे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल है। लेकिन अगर इसकी कंडीशन सवेयर है तो कुछ बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल भी रहता है। हमारी फील्ड में कुछ ऐसे पेशेंट जिनमें ये बच्चों में डायग्नोस नहीं हुआ, एडल्ट्स में यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि जैसे बच्चे को रेस्पिरेटरी या कोई सांस लेने की दिक्कत नहीं आई तो उनकी डेवलपमेंट नॉर्मल रही, और एडल्ट लाइफ में ज़्यादातर केसेस में किसी और कारण से अगर उन्होंने कोई टेस्ट कराया या जैसे कि पेट का स्कैनिंग कराया या चेस्ट का कराया उसमें एक्सीडेंटली डायफ्रेगमेटिक हर्नियास डायग्नोस हो जाते हैं। पेशेंट को पता चलता है कि उनका जो आंत है वो पेट से खिसक कर इस होल के थ्रू चेस्ट में आ गई है, चेस्ट में एक लंग जिस तरफ हर्निया है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, और तब वो डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं दिखाने के लिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। क्योंकि एडल्ट्स में सिम्टोमेटिक नहीं होता तो ज्यादातर केसेस में हम इसका ऑपरेशन करके इसे ठीक कर सकते हैं। आजकल जैसे जैसे टेक्निक बेटर हो गई है ये ऑपरेशन ज्यादातर दूरबीन से किए जाते हैं, पेट के अंदर ही हम दूरबीन डालकर जो कंटेंट्स चेस्ट में चले गए हैं उन्हें वापस पुल कर पेट में वापस ला सकते हैं और जो होल है उसे स्टिचेस लगाकर बंद कर सकते हैं और उसके ऊपर एक जाली रखी जाती है ताकि हर्निया दोबारा ना हो। हर एक केस में जाली रखना जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, आपके सर्जन इस हर्निया को कैसे फील कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि बिना जाली के ये ठीक किया जा सकता है। कुछ केसेस में जाली नहीं डाली जाती और कुछ केसेस में डाली जाती। ये ऑपरेशन अब रोबोटिकली भी किए जा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ डायग्नोसिस बना है, आपके किसी टेस्ट में लिखा आया है कि आपको डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, तो आप डरिए नहीं, एडल्ट्स में इसका ट्रीटमेंट काफी सिंपल है। अपने डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें कंडीशन डिस्कस कीजिए और जो भी मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए हैं वो सब डिस्कस करके एक अच्छा डिसीजन लीजिए और इस कंडीशन को ठीक करवाकर अपने नॉर्मल लाइफ दोबारा से जीनी शुरू कीजिए। थैंक यू।